ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि ब्रिटिश शासन ने जिस देश पर भी कब्जा किया उसमें उसके खिलाफ विद्रोह सर न उठा पाए, इसके लिए मासूमों के कत्लेआम की झड़ी लगा दी गई। इंसानियत को हमेशा अंग्रेजों ने जूते के तले मसल कर रखा, जो उनकी क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। हैरानी की बात है कि ब्रिटेन, जो आज मानवाधिकारों के हितैषी होने का दम भरता है, उसे कभी उसके हिंसक और मासूमों के खून से सने अतीत के लिए दुनिया की किसी अदालत के कटघरे में कभी खड़ा नहीं किया गया। अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में कुख्यात सेलुलर जेल इसी बर्बर मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। कह सकते हैं कि ये नाजियों द्वारा स्थापित ऑशविट्स कैंप का ब्रिटिश संस्करण था, बस इसमें गैस चेंबर्स की ही कमी थी। इस सेलुलर जेल में, जिसे काला पानी भी कहा जाता था, ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए जुल्मों की डरावनी हकीकत छिपी है। '1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम ने देशवासियों में एक नया जोश और जुनून भर दिया था। चारों ओर आजादी हमारा हक है, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम जैसे नारे गूंज रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध अपनी चरम सीमा पर था। ऐसे में जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता या कोई भी ऐसा काम करता जो अंग्रेजों को रास नहीं आता, उसे कैदी बनाकर भारत की सरजमी से हजारों मील दूर समंदर से चारों तरफ घिरे हुए अंडमान निकोबार के वाइपर आइलैंड भेज दिया जाता। वाइपर आइलैंड स्थित जेल मौत का ही दूसरा नाम था, जिसका डिजाइन साइंस और माइथोलॉजी का एक मिलाजुला रूप है और मुख्य रूप से दो थ्योरीज से मिलकर बना है। पहली, स्पोक्स ऑफ द व्हील। ऊपर से देखने पर साइकिल या गाड़ी के पहिए जैसे दिखने वाले इस डिजाइन के पीछे का मकसद था कि अगर कोई कैदी जेल से भागना भी चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि उसे किस दिशा में जाना है। दूसरी, पिनोप्टिकन थ्योरी। ग्रीक माइथोलॉजी में आर्गस पिनोपटस नाम का एक चरित्र है जिसके शरीर पर 100 आंखें थी। उसी तर्ज पर जेल के बीच एक ऐसा टावर नुमा ढांचा खड़ा होगा जहां से गार्ड्स एक साथ कई कैदियों पर नजर रख सकेंगे, 100 आंखों की तरह। सेलुलर जेल में जुल्म सहकर भी टस से मस ना होने वाले हजारों कैदियों में से एक थे फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर। अपनी किताब में सावरकर ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे कैदियों को कड़ी सजा के तौर पर कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता और नारियल के सूखे हुए भूसे से कपड़े बनाने का काम दिया जाता। ये काम खास तौर से राजनीतिक कैदियों से कराया जाता था। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि लकड़ी के हथौड़े से नारियल को पीटते हुए कैदियों को ऐसा महसूस हो जैसे कि वो नारियल नहीं बल्कि अपने आजादी के सपने को तोड़ रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ काला पानी की एक काली सच्चाई भी धीरे धीरे सबके सामने आने लगी और कैदियों को रिहा करने की मांगे जोर शोर से उठने लगी। दबाव में आकर 1937 में भारत में ब्रिटिश प्रशासक लॉर्ड लिनलिथगो समझौता करने के लिए तैयार हो और तब कहीं जाकर काला पानी की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। ये समझौता कराने में महात्मा गांधी और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अहम भूमिका निभाई। सेलुलर जेल में आज भी भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों की गूंज सुनाई देती है।
हमें शहीदों के साहस और बलिदान की इन कहानियों को संजो कर रखना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये समझ आए कि आजादी अनमोल है और इसे हमेशा कायम रखना है। कवि रामकिशोर शुक्ल विशारद की इन पंक्तियों में कहें तो, उन वीरों को हम नमन करें जिनने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी।